नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। फरहान अख्तर की फिल्म जीले जरा मुश्किलों में नजर आ रही हैं। हाल ही में खबर आई थी कि प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म से किनारा कर लिया है और अब वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब कटरीना कैफ ने भी फिल्म से अलग होने का फैसला ले लिया है। अब प्रियंका और कटरीना के रिप्लेसमेंट के तौर पर फिल्म में अनुष्का शर्मा और कियारा आडवाणी को कास्ट किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म से प्रियंका चोपड़ा के अलग होने के बाद कटरीना ने फिल्म से हटने का फैसला लिया। वहीं बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका, कटरीना और आलिया के बिजी शेड्यूल की वजह से स्टार्स फिल्म में साथ काम करते नहीं दिखेंगे। दरअसल प्रियंका चोपड़ा अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की वजह से 2023 में फिल्म की शूटिंग के लिए अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने फरहान से फिल्म की शूटिंग 2024 में करने की रिक्वेस्ट की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान ने प्रियंका की रिक्वेस्ट मान भी ली थी, लेकिन आलिया भट्ट 2024 में रामायण और बेजू बावरा की शूटिंग का कमिटमेंट पहले दे चुकी हैं। इस वजह से आलिया के लिए 2024 में एक और फिल्म की शूटिंग करना मुश्किल होगा। इन वजहों से फरहान ने फिल्म की शूटिंग को कुछ समय के लिए टाल दिया है। प्रियंका चोपड़ा हाल ही में फिल्म लव अगेन और सिटाडेल में भी दिखी थी। वहीं कटरीना टाइगर 2 की तैयारी कर रही है। आलिया की फिल्म रॉकी और रानी 28 जुलाई को रिलीज होगी। इस फिल्म के साथ करण जौहर और डायरेक्टर के तौर पर 6 सालों बाद वापसी कर रहे हैं। फिल्म में रणवीर सिंह, वेटरन एक्टर धर्मेंद्र और जया बच्चन भी नजर आएंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।